जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, शाम के 7 बज रहे हैं और हम काट लेते हैं यहाँ पर सब्जी। और आज शाम को बनने वाली भिंडी की सब्जी, वो भी प्याज और लहसुन डाल करके। और हमारे यहाँ ना शाम को मायके में सब्जी रोटी बनती है, और जैसे कि लखनऊ में ना शाम को हम दाल चावल सब्जी रोटी चटनी सब कुछ हमको बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ ना जैसे शाम को सब्जी रोटी है, उसके साथ ना कभी खीर हो गई, कभी बड़ी हो गई, और वैसे भी ना गर्मी में ज़्यादा कोई भी नहीं खाना खाता। और यहाँ पर दीपिका नन्ही परी के जितने भी ड्रेस हैं, इतने इसके ड्रेस इकट्ठे हो गए, छोटे छोटे ड्रेस ना देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम ड्रेस भी देखते गए, हमारी सब्जी भी कट गई, और हमारी भाभी जी सबके लिए बना रही चाय। और जितने भी बड़े ड्रेस हैं उनको बिट्टू फोल्ड करके रख रहे हैं, छोटे ड्रेस उन्होंने निकाल लिया है पहनने के लिए। और यहाँ पर मनु और परी पूरी सब्जी का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि गाँव में ना यहाँ पर डेली रामायण का पाठ, भागवत, कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहता है, तो प्रसाद आता ही रहता। और ये वाला प्रसाद ना मनु परी को बहुत ही पसंद है, तो यहाँ पर ये दोनों लोग खा रहे हैं। और दीपिका रख रही है के कपड़े। और इसके बाद भाभी बोल रही हैं कि बिट्टू बना लो तुम भिंडी की सब्जी जल्दी। तो बिट्टू छील रही है लहसुन, क्योंकि हमको ना लहसुन छीलने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे ना जब नाखूनों में लहसुन फंस जाती है ना तो एकदम से दर्द होने लगता है। तो बिट्टू कह रहे बुआ आप रहने दीजिए, आप जाइए भगवान जी की आरती कर लीजिए। जा रही भाभी मैं कपड़े चेंज करके, लो बिट्टू तुम बना लो, लो मैं कपड़े तुरंत चेंज करके जा रही हूँ। सतगुरु भगवान की आरती करने के बाद आप लोगों को सुना रहे हैं रामायण का पाठ। और आज ना यहाँ पर पंडित जी नहीं आए हुए थे, इसीलिए हम ही सुना रहे हैं आप लोगों को। आज ना जो पंडित जी पूजा के लिए आते हैं ना, तो कहीं गए हुए हैं शादी में, तो हमने मतलब जो घर में भगवान जी बैठे हैं वहाँ भी आरती किए और सतगुरु भगवान की आरती किए, दो दोहा हमने रामायण का पाठ भी कर लिया। सुनने वाली बैठी हुई है बिट्टू यहाँ पर। आज हम बिट्टू को सुना दिए हैं रामायण। बिट्टू भी हमारी कह लेती है रामायण, है ना बिट्टू? लेकिन कहते नहीं हो ना, पूजा तो वहाँ करते हो ना ससुराल में? हाँ, पूजा इसके यहाँ ना ससुराल में सभी लोग बहुत करते हैं। उनके जो पति देव है ना वो बहुत ही पुजारी हैं, बहुत पूजा करते हैं, भोले बाबा की पूजा करते हैं। कि मतलब क्योंकि एक महीना है भोले बाबा का दिन आ रहा है ना, जिसमें रुद्राएं बनती हैं और पार्थिव पूजन होती है, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा और मतलब काफ़ी काम चल रहा है ना, इसी वजह से देखते हैं क्या कैसे है। नहीं, यहीं पर होगा जब भोले बाबा की मतलब मूर्ति बनेगी, रुद्राभिषेक होगा, और वहीं बनारस से पंडित जी भी आएंगे, तो चलते हैं। टाइम ना 9:30 बज रहे होंगे, और हम सब्जी बना ही रहे थे कि बिट्टू लग गए सब्जी बनाने भिंडी की, और बिट्टू सब्जी बना करके रख भी आए भिंडी की, तो चल रहे हैं। भिंडी की सब्जी बंद करा है ना गैस, जल तो नहीं। सो गाइस, थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने मौसी का भी फोन ले लिया है। मौसी और मामी जी बाहर डिनर कर रही, हम लोगों ने कर लिया है। हम लोगों ने डिनर में भंडारी की पूरी और सब्जी खाई है। मनु कैसा था? मस्त था, मस्त अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। भंडारी का खाना बहुत टेस्टी रहता है। और अभी रात में एटलीस्ट 10 o'clock हो गए हैं, और वो लोग खाना पीना खा के हम लोग सोएंगे, और फिर सुबह देखते हैं मौसी आप लोगों के साथ क्या शेयर करती है। मौसी का तो सिर्फ एक ही काम है, धुलाई करना, झाड़ू पोछा लगाना। यस मैम। रात के 11 बजे बुआ भतीजी का प्यार देखिए, और बिट्टू ना अपनी भाभी के पास से नन्ही परी को ले आती है, कहती जब तक हम हैं तो अपने पास ही सुलाएंगे। और ये वीडियो शूट किया था मनु और परी ने, बोल रहे थे कि सुबह हम मौसी को दिखाएंगे कि जब आप सो गई थी तभी हमने ये वाली वीडियो शूट किया है। जैसे कि परी ने बताया कि मौसी के सुबह से कोई काम नहीं है, सिर्फ साफ़ सफाई वाले काम हैं, झाड़ू पोछा वाले, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ना हमको सफाई बहुत ही पसंद है, और ज़्यादातर जब तक हैं तो सतगुरु भगवान की कुटी साफ़ सफाई में सुबह से लग जाते, और हमको भी अच्छा लगता है। और जब भाभी लोगों का पूजा पाठ अपना शुरू हो जाएगा तो भाभी हमारी खुद ही इतनी सफाई करती हैं कि वो पूरा दिन लगी रहती हैं, और जब हमारी भाभी पूरा दिन लगी रहती हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे ही काम करते रहते हैं। सुबह आँख यहीं पर खुलती सतगुरु भगवान की कुटी में, और आज साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है। भाभी जी भी हमारी आ गई, सतगुरु भगवान को प्रणाम कर रही हैं। और सुबह से ना यहाँ पर कोयल की आवाज़ें सुनते रहो,
और अपने काम करते रहो, बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ बाहर की ही मंदिर की सफाई कर लेते हैं, अंदर की सफाई नहाने के बाद ही करते हैं, अंदर नहीं एंट्री करते हैं। पूरे एक घंटे हो गए हमको यहाँ पर आए हुए हैं, पानी अभी आया नहीं था। जब तक हम जाएंगे अंदर तब तक भाभी चूल्हे की राख उठा लेंगी, भैया जी के लिए चाय बना करके रख देंगी, यहाँ के बर्तन धुल रही होंगी। और हमारा काम है, पानी आ जाएगा तो पाइप ले करके दोनों आंगन की करते हैं धुलाई। और हमको भी अच्छा लगता है पौधों में पानी देना और धुलाई करना, और सुबह सुबह से ना पानी वाले काम में लगे रहना तो अपना भी टाइम पास हो जाता है। और यहाँ पर ना ग्रीन वाली भी मेहंदी लगी हुई है, हम सोच रहे हैं किसी दिन तोड़ करके और पीस करके सर में लगाते हैं, लेकिन हाँ लफड़ा है, तोड़ेंगे पीसेंगे फिर लगाएंगे, और फिर वो ना अगर अच्छे से पीस नहीं जाती है तो बालों में फंस जाती है। धुलने में भी ना 15-20 मिनट लगते हैं, तब जा कर के बाल अपने साफ़ होते हैं। और यहाँ ना सुबह से ना बस ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, और ट्रैक्टर ही हम सुबह से घूम घूम करके ऐसे से देख रहे हैं। हमको भी अच्छा लगता है अपने गाँव का नज़ारा सुबह सुबह से देखते रहते हैं। कुटी की सफाई करने के बाद ना जैसे हमारी अंदर एंट्री हुई तो हमारी भाभी जी यहाँ पर बनी हुई थी मेढ़क, और भाभी जी को पता भी नहीं चला कि हमने उनकी वीडियो शूट कर लिया। और पहले ना इसी रूम में भगवान जी थे, इस रूम की भी ना फर्श खराब हो गई है, यहाँ की भी ठीक करवाना है। और भाभी जी ने आज आंगन की भी धुलाई कर ली, हमको नहीं करना पड़ेगा। और जो डेली भैया जी ये दही को मथते हैं, इसके बाद मक्खन निकालते हैं, दूध रखते हैं पकने के लिए, तो वो भी अपने काम कर रहे हैं। और जय की आराम से भी सो रहा है। और यहाँ पर ना खेत से ही शाम को आ गई थी चौराई, और इस समय ना गर्मी वाली चौराई ना अच्छी नहीं रहती है, तो शाम को हम इसको धुल करके और डलिया में ऐसे रख दिए थे, ऊपर से गीला करके कपड़ा ढक दिए थे, तो वही ले करके और हम जा रहे हैं, इसको काट लेते हैं। और भाभी बोल रही हैं कि थोड़ी सी ही बनाना है, क्योंकि आंचल बहू की ना इस समय थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और उसको ना थोड़ा ब्लड की कमी आ गई है, इसी डॉक्टरों का कहना है कि उसको हरी सब्जियां खिलाइए, लेकिन उसको ना हरी सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि आज हम बनाएंगे चौराई की भाजी लहसुन वगैरह डाल करके, और तुमको खाना है। और हमको तो ना हरी सब्जियां बहुत ही पसंद है, और एक एक पत्ती इसकी पहले तोड़ लेते हैं। पत्ती तोड़ने के बाद हंसिया भी हमने रख लिया है, और हम भाभी से बोल रहे हैं कि हमको हंसिया में तो ज़्यादा काटना नहीं आता है, लेकिन आराम से हमने काट लिया है। हम तो यही कहेंगे कि कोई काम मुश्किल नहीं होता है, अगर हम लोग सीखना चाहें तो हर एक काम हम लोग सीख सकते हैं, जब करने लगो तो हर एक काम आसान हो जाता है। और यहाँ पर हमारी भाभी जी भी आ गई थी, जो अरहर धुल करके डाली थी तो वो भी सूख गई थी, तो सूप में ऐसे निकाल रहे उसके कंकड़, वो भी हम देख रहे हैं। और आज ना हमने मनु को लगा दिया था फूल तोड़ने के लिए, और परी को भी कहें, लेकिन परी ना कहीं गोल हो गई है। और कुछ भाभी लोग यहाँ लग गई हैं, जो अपनी आती हैं सुबह से आ जाती हैं, बेचारी 5-6 लोग आ जाती हैं, तो जो अभी कच्चे मकान हैं ना मिट्टी वाले, उसमें ना मिट्टी लगा रही ऐसे ऐसे करके, क्योंकि सोवर निकलने से पहले ना हर एक कोना साफ होना चाहिए। तो ये लोग भी दीवालों को साफ करेंगी, फिर इसके बाद नीचे ना लीपेंगी गाय के गोबर से। और बिट्टू सबके साथ लगी हुई आलू छील रही है, और कुछ ना कुछ भाभी जी इसका नाश्ता बनाएंगी। इसके बाद ना भाभी जी ने बनाया था आलू बंडे, तो यहाँ पर सभी लोग आलू बंडे भी खा रहे हैं, और सभी को ना आलू बंडे यहाँ बहुत पसंद है। और मनु को ना डेली नाश्ते में आलू का ही कुछ नाश्ता बनता रहे, तो मनु बहुत खुश रहते हैं। और यहाँ पर बिट्टू भी नन्ही परी को खिला रही हैं, और बिट्टू कह रहे जब तक मैं हूँ ना तब तक लगता इसी के पास बैठी रहूं। और यहां पर हमारे भैया जी भी ले लिए हैं, बोल रहे हैं नातिन है हमारी, नातिन है। तो वही इस तरह ना पूरा टाइम हम लोगों का इसी तरह निकल जाता। और इस समय ना साफ सफाई वाले इतने काम चल रहे हैं कि पूरा दिन इसी तरह लगे रहो, इसीलिए ना कभी कभी होता है ना हम वीडियो भी एडिट नहीं कर पाते हैं, जब सबके पास बैठ जाना बातें करना। और हमारी बहनों ने, आप लोगों ने जो परसों का ब्लॉग है ना उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है, और बिट्टू के लिए बहुत ही प्यारे कमेंट किया, हमारे लिए, हमारी जितनी भी YouTube फैमिली है, आप लोग हमारा बहुत ही साथ दे रहे हो, बहुत ही प्यार दे रहे हो, ऐसे ही देते जाइएगा। लेकिन हाँ, जब मायके के ब्लॉक रहते हैं तभी आप लोग साथ देते, इसके बाद नहीं, कोई बात नहीं है। हमको तो अच्छा लगता है आप भी हमारी फैमिली हो और आप लोगों के साथ जुड़े हैं ना, हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर बिट्टू हैं और हमारे भैया जी हैं, सब लोग इसी तरह हम लोग बैठ जाते हैं, पूरा पूरा दो दो घंटे हम लोग ऐसे खिलाते रहते। और आज ना ड्यूटी लग गई है दोपहर की खाना बनाने की भाभी जी की, तो भाभी जी खाना बना रही हैं, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम भी किचन में चले जाते हैं। किचन में ना इस समय इतनी गर्मी है, और काफ़ी आंगन में काफ़ी काम भी चल रहा है, तो काफ़ी धूल भी निकल रही है। तो बिट्टू बोल रहे हैं कि चलिए बुआ थोड़ी समय के लिए आराम से बैठते हैं। और अंदर के रूम में ना अभी एसी नहीं लगी हुई है, अब बाहर के रूम में लगी हुई है। मनु आपके पास रो नहीं रही है? बिल्कुल नहीं रो रही है।
अरे देखो आपको कैसे पहचान रही है, देखो अरे ले 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 परी मामी से झगड़ा करने लगी। क्या कह रहे हो? घोरा काला कुछ नहीं होता परी, आप बोले हो आप किसी को नींद नहीं आ रही इसीलिए पॉटी कर दो। मनु इसको लखनऊ ले चलेंगे, ठीक है? तुम लखनऊ चलोगे ना? मनु के साथ स्कूल कहाँ खड़ी है मम्मा? आराम ही कर रहे थे और शाम को ना 4 बज रहे हैं। यहाँ बहन भाई दोनों ने क्या बना लिया, क्या है? वाह मैगी बन गई है। बिट्टू को दे आई, दीपिका को भी दे दिया। अरे वाह परी, बहुत ही टेस्टी वाली मैगी दिख रही। प्याज मामी ने छील दिया था। भाभी जी लगा रही हैं झाड़ू और इतनी समय बिना, अभी आंगन में इतनी धूप है और इतनी गर्मी है कि थोड़ी समय के लिए अगर आंगन में आओ ना तो ऐसे लगता है तुरंत रूम में चले जाएं। और हम लोग ना आंचल बहू के रूम में आ जाते हैं जहां पर पड़ी हुई है शोवर, और यहां पर ना छोटा वाला कूलर ना 24 घंटा ऑन रहता है, और अगर लाइट भी चली जाती है ना तो इन्वर्टर से भी चलता रहता है, इसीलिए ना ये वाला कमरा बहुत ही ठंडा रहता है। और यहाँ पर आ गई थी भाभी जी से मिलने के लिए, यानी गाँव की सब भाभी लोग है आ गई थी, तो उन्हीं को हम चाय नाश्ता करवा रहे हैं। और अभी ना वो काम वाली भाभी जी लोग भी जो अटारी होती है ना, अटारी में मिट्टी लगा लगा करके सब लीप पोत रही हैं। तो जैसे वो भाभी जी लोग गई ना, वैसे हम अटारी का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए अम्मा लोगों के ज़माने की अटारी, और यहाँ पर ना वही भूसा रखा जाता है, कंडे रखे जाते हैं, और काम ना जोर तोर से चल रहा। और बिट्टू कह रहे ना मम्मी इसी समय तुमको काम करवाना शुरू करवाना था, चारों तरफ धूल ही धूल है। और ये देख देख के ना नज़ारा तो एकदम से परेशान हो जाती है। और इनके जब पति देव की वीडियो कॉलिंग आती है ना तो कहती बुआ जी ने तुमको फंसा दिया इतनी गर्मी में। हमसे बिट्टू वहाँ से पूछती थी बुआ वहाँ गर्मी तो नहीं, हमने कहा बिल्कुल नहीं गर्मी है बिट्टू, यहाँ एकदम से शिमला है, एकदम से ठंडा मौसम है। तो वही बिट्टू बोलती रहती कि बुआ वो बोलते हैं कि तुम्हारी बुआ जी ने तुमको फंसा दिया इतनी गर्मी में बुला करके। हमने कहा बिट्टू हमने कहाँ फंसाया, तुम्हारी भतीजी ने तुमको फंसाया है और तुम आई हो यहाँ पर सोवर पोतने के लिए। और अभी आप लोगों को ना ये वाली कुटी दिखा रहे हैं जहाँ पर पहले हमारी अम्मा जी लोग यहाँ पर खाना भी बनाती थी, और बचपन में हम लोग ऐसे जीना चढ़ करके ऊपर नीचे जाते थे, खाना लेकर के आते थे, और कभी कभी जीने से हम लोग गिर भी जाते थे। तो ये देखिए अभी भी छोटा बक्सा रखा हुआ है, और इधर की तरफ कंडे रखे हुए हैं, चूल्हा भी बना हुआ है। बट अब भाभी लोग यहाँ पर खाना नहीं बनाती थी, पहले बनता था। और इसके बाद हम नहा करके कर लेते हैं आरती, इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है। आप लोग भी थोड़ी सी आरती सुन लीजिए।